एक गांव बंदरों से परेशान, लोगों ने खोजा भालू समाधान। लड़कों को बनाया भालू, बंदर में दहशत चालू। बंदर भाग, भालू आया। जी हाँ, बंदर भाग, भालू आया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुलदीप सिंह पठानिया और आप देख रहे हैं भालू चाल। शाहजहांपुर में इन दिनों भालू चाल चर्चाओं में है। यहां के गांव में दो भालू दिन रात गांव गांव घूमते हैं, बंदर भगाते हैं। अब आप कहेंगे बंदर भगाने का काम तो वन विभाग या नगर निगम का होना चाहिए, ऐसे में भालू क्यों ये काम कर रहे हैं? इस जवाब के लिए आप ये रिपोर्ट देखिए। दो पैरों पर चलता भालू आपने शायद ही कभी देखा हो, लेकिन शाहजहांपुर जिले के सिकंदरपुर अफगान गांव में दो भालू न सिर्फ दो पैरों पर चल रहे हैं बल्कि मीडिया से बात भी कर रहे हैं। ये पहनते हैं तो बंदर हमें देखते हैं और इस कारण वो भाग जाते हैं। गांव इतना बड़ा है, वो कहीं ना कहीं छुप जाते हैं जाके। गाँव की गलियां झांक रहे ये भालू शाहजहांपुर में चर्चा का विषय बने हुए हैं। ये दोनों भालू सुबह और शाम में ऐसे ही गांव में घूमते हैं और छोटे बच्चे इनके पीछे पीछे चलते हैं। गांव में घूमते वक्त दोनों हाथ हिलाते हैं और अजीब और गरीब आवाज भी निकालते हैं। ऐसे में सवाल ये है कि ये भालू हैं कौन, क्यों ये गली गली घूम आवाज निकाल रहे हैं और क्यों गांव के बच्चे डरने के बजाय इनका साथ दे रहे हैं। तो इसका जवाब है बंदरों का आतंक। गांव वाले इतना परेशान है कि ना तो खाना बनाने देते, ना खाना खाने देते, कपड़े सुखाने नहीं देते। कपड़े अगर पहनने के लिए रखे हैं तो उठा के भाग जाते, फाड़ डालते। दरअसल सिकंदरपुर गांव में इन दिनों बंदरों का जबरदस्त आतंक है। कहा जा रहा है कि गांव की आबादी है महज 5,000 और गांव में बंदरों की संख्या है 10,000। आए दिन बंदर किसी न किसी बच्चे पर हमला करते हैं और लोगों को परेशान करते हैं। बहुत परेशानी, काटे उखात, रोटी छीन लेत, कपड़ा उफाड़ डात, चप्पलें उठाई ले जात, कोई सजी पहन दे नहीं पाओ, जी का कटी पीटी सब पहन दे। गांव वालों ने बंदरों के बढ़ते आतंक की शिकायत वन विभाग से की। वन विभाग ने खाना पूर्ति के लिए बंदरों की पहचान की, मगर गांव वालों ने जब अधिकारियों से बंदरों को पकड़ने के लिए कहा तो उन्होंने एक बंदर के बदले 300 रुपयों की मांग कर डाली। तो 300 रुपए प्रति बंदर पकड़ने का हमको बताया गया है। उसके बाद में एक आदेश भी हमको लिख दिया गया कि आप बंदर अगर पकड़ना चाहते हैं तो बंदर पकड़वा सकते हैं, लेकिन आपको जितना खर्चा है वो आप ही झेलेंगे। फीस ज्यादा होने के चलते ग्रामीणों ने अधिकारियों के सामने हाथ जोड़ लिए और खुद ही बंदर समस्या का नायाब समाधान खोज निकाला। इसके लिए गांव वालों ने चंदा इकट्ठा किया और भालू की दो ड्रेस तैयार की। तो गांव के लोगों ने कहीं देखे होंगे इस तरह से भालू वाले ये कपड़े पहने हुए, तो सब लोगों ने गांव को, कुछ लोगों ने चंदा भी किया, कुछ लोगों ने अपने पास ज्यादा दिया, कुछ कम दिया। तो करीब 4-5 हज़ार रुपए की ये शर्ट जो है आके ये दोनों लोगों ने काफी प्रयास किया गाँव में, जो है ज्यादा ज्यादा बंदर अभी मतलब भाग गए हैं। भालुओं की ड्रेस तैयार होने में करीब 4,000 रुपयों का खर्च आया। ड्रेस तैयार होने के बाद ग्रामीणों ने भालुओं को गांव की गलियों में घुमाया तो बंदरों में भगदड़ मच गई। भालू को देखकर बंदर गांव छोड़ने को मजबूर हो गए। ये बनाया इसलिए सर, जो गांव में हमारे इतने बंदर हो गए, जनसंख्या से ज्यादा बंदर हो गए हैं और बच्चों को घर में काट खाते हैं, कपड़े फाड़ देते हैं, खेतों में फसल नष्ट कर देते हैं, इसलिए मजबूर आके ये भेस बनाना पड़ा है। अब क्या पोजीशन है? अब ये पोजीशन है, गांव से बाहर बंदर निकलते हैं तो वो दहशतों में पेड़ों पे टंगे रहते हैं, जो देख लेते हैं वहीं से कूद पड़ते हैं, तो भागने के लिए मजबूर है।
जब से गांव में भालुओं का आक्रमण शुरू हुआ तब से बंदरों की संख्या में कमी आई। भालू के कपड़े पहने दोनों युवक रोजाना 2 से 3 घंटे बंदरों को भगाते हैं। ग्रामीणों के मुताबिक जब से भालू गांव में आए हैं तब से बंदरों की संख्या में कमी आई है। अब कुछ राहत मिल रही इससे? हाँ, थोड़ी कुछ राहत है लेकिन कोई विशेष राहत नहीं है। भालुओं के आने से बंदरों में तो दहशत पैदा हुई है लेकिन भालू बने दोनों युवकों को परेशानी भी उठानी पड़ रही है। दोनों युवकों का कहना है कि जब वो भालू के ड्रेस पहनकर गांव में घूमते हैं तो आवारा कुत्ते उनके पीछे पड़ जाते हैं। उन्हें डर है कि कहीं वो आवारा कुत्तों का शिकार ना हो जाएं। आपको परेशानी होती है कहीं? हाँ, हमें परेशानी ये होती है, बहुत सारे कुत्ते दौड़ पड़ते हैं, भैंस भैंस जानवर दौड़ पड़ते हैं, अगर किसी को छूट गया तो मार डालने के ही तैयार हो जाता है। इस तरीके से हमें भी परेशानी होती है लेकिन मजबूर क्या करें, परेशानी झेलनी पड़ती है, ये ड्रामा रोल करना पड़ता है। बावजूद इसके दोनों युवकों ने ठाना है कि जब तक गांव से सभी बंदर बाहर नहीं चले जाते तब तक वो भालू की शक्ल का इस्तेमाल कर बंदरों को भगाने का काम करते रहेंगे। शाहजहांपुर से कमलेश वर्मा, R9 TV, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।